नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार घर से बाहर निकले हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न कहते तो सीएम घर से बाहर नहीं निकलते। रघुवंश प्रसाद सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जो घर से निकलेगा गरीबों के सेवा के लिए उसी को कोरोना होगा। क्या कहा है शिवचंद्र राम ने, हम आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। और नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं कहते तो बाहर निकलने वाले भी थे क्या? वो तो भीतरे से जो है कि भाई अपना लॉकडाउन में भीतर पड़े हुए हैं या अपना प्रचार इलेक्शन के। अच्छा, शिवचंद्र राम जी, रघुवंश बाबू को कोरोना हो गया, आपको क्या लगता है कैसे हो गया, क्यों हो गया? देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का काम करेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा, उसी का ना कोरोना होगा जी। और जो रहेगा घर में बंद रहेगा उनको कोरोना क्या होगा? थाली पीटने के दौरान उनको हुआ है, कहा जा रहा है। अरे थाली तो गरीबों की बात न कर रहे थे, थाली खाली था। थाली भरने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री से कर रहे थे और वो सोए हुए थे। गरीबों का जनकल्याण नहीं हो रहा था, मजदूरों का जनकल्याण नहीं हो रहा था, तो थाली पीट पीट कर करके जगा रहे थे उसको कि जगिए और गरीबों को थाली थाली उसको भरिए। जान संकट में उनका पड़ा हुआ है। देखिए, ये तो कोरोना है, कोरोना में तो बिहार सरकार फेल है। और नेता प्रतिपक्ष अगर नहीं कहते तो बाहर निकलने वाले भी थे क्या? वो तो भीतरे से जो है कि भाई अपना लॉकडाउन में भीतर पड़े हुए हैं या अपना प्रचार इलेक्शन के। अच्छा, शिवचंद्र राम जी, रघुवंश बाबू को कोरोना हो गया, आपको क्या लगता है कैसे हो गया, क्यों हो गया? देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का काम करेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा, उसी का ना कोरोना होगा जी। और जो रहेगा घर में बंद रहेगा उनको कोरोना क्या होगा? थाली पीटने के दौरान उनको हुआ है, कहा जा रहा है। अरे थाली तो गरीबों की बात न कर रहे थे, थाली खाली था। थाली भरने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री से कर रहे थे और वो सोए हुए थे। गरीबों का जनकल्याण नहीं हो रहा था, मजदूरों का जनकल्याण नहीं हो रहा था, तो थाली पीट पीट कर करके जगा रहे थे उसको कि जगिए और गरीबों को थाली थाली उसको भरिए। जान संकट में उनका पड़ा हुआ है। देखिए, ये तो कोरोना है, कोरोना में तो बिहार सरकार फेल है। तो पूरा लॉकडाउन बिहार बंद हुआ था, पत्ता पत्ता डोल नहीं रहा था। आज 300-300 कोरोना जो है कि अब निकल रहा है, इसका तमाम चीज खुला हुआ है। क्या लेना देना है नीतीश कुमार जी को गरीबों से या कोरोना है, उससे क्या है? आप लोगों का कुर्सी बरकरार रहे उसका बात करते हैं। शिवचंद्र राम जी, आप लगता है कि आरजेडी के नेताओं को भी सतर्क सचेत रहने की जरूरत है कोरोना से? हम लोग पहले से सचेत है, ऐसा नहीं है, नहीं देख रहे हैं कि मास्क लगा करके चल रहे हैं। हम पहले से सचेत है, उनको सचेत रहने की जरूरत है और व्यवस्था करने की जो है, आप सत्ता में है, सरकार में है, आप गरीबों की सुरक्षा की बात करते हैं, आप उसकी बात करिए, कैसे राज्य की जनता कोरोना से बचेगी उसकी बात करिए। तो आपने सुना, शिवचंद्र राम ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि जब पूरा बिहार, जब कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक ठाक थी, संतुलन में थी, नियंत्रण में था कोरोना संकट, तब पूरे बिहार में लॉकडाउन था, आज रोज तकरीबन 300-200 मरीज मिल रहे हैं कोरोना के और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सब कुछ खुला हुआ है, छूट मिली हुई है, अनलॉक वन है, तो इसको लेकर भी शिवचंद्र राम ने हमला किया है बिहार सरकार पर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।